हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। आपकी जो कोर पेपर 8 है यानी कि कंपैरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या आ सकता है, आपकी यूनिट फर्स्ट को देखिए, इंटेगुमेंटरी एंड स्केलल सिस्टम्स यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ जो डेरिवेटिव है, इंटेगुमेंट के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि हम एपिडर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे एंड डॉर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में देखेंगे। ये जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट इज इंटेगुमेंट्स, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट्स। जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो एपिडर्मल डेरिवेटिव एंड डॉर्मल डेरिवेटिव्स के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एपिडर्मल डेरिवेटिव्स, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स क्या होता है ऑफ इंटेगुमेंट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट। यहाँ पे जैसे दे रखा है ना, स्केल है, क्लॉज है, नेल है और फीदर, इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट और एक लंग क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जाता है। अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। डिस्क्राइब जॉ सस्पेंसोरियम इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के केस में जो जॉ है किस तरीके से अलाइंड है, आप जैसे देख सकते हो। जैसे आप जैसे सुना है ना, क्रोकोडाइल जो होता है एक आदमी को ऐसे खा लेता है, क्यों, क्योंकि उनकी जो ओपनिंग है, जॉ की जो ओपनिंग है कुछ रहता है, हम लोगों का कुछ मतलब कि इस तरीके से मॉडिफाइड हुआ है कि पूरा क्रैनियम के साथ जॉ की जो अटैचमेंट रहा है कुछ ऐसा रहा है कि कुछ कुछ हद तक तो ओपनिंग होगा, लेकिन आप देखोगे कितने बड़े बड़े चीज़ों को खा लेंगे। तो अलग अलग वर्टिब्रेट्स के केस में जॉ की जो अलाइनमेंट है, अटैचमेंट है क्रैनियम के साथ, तो ये अलग अलग होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिए। ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों का प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें हो जाएगा। एंड ठीक है, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी जितना भी है शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। एपिडर्मल ग्लांड्स जो है, यहाँ पे ग्लांड्स मेंशंस नहीं है लेकिन क्वेश्चन आता है, यहाँ अच्छे से याद दीजिए कि एपिडर्मल ग्लांड्स है, ठीक है। एपिडर्मल ग्लांड्स में जब हम बात करेंगे कि आपने जितने भी ग्लैंड हम देखेंगे, स्वेट ग्लैंड हो गया, सेबेसियस ग्लैंड हो गया, इनके बारे में आएगा, या फ्यूमरल ग्लैंड हो गया, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से, यूरोपाइजल ग्लैंड हो गया, ग्रीन ग्लैंड है, तो इस तरीके से अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग ग्लैंड भी होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगा। पॉइजनस ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंस ऐसे पूछ लेगा, या डिफरेंसेस पूछेगा, या तो नहीं आपको ऐसे एक्सियल एंड एक्सियल स्केलेटन क्या है, उनमें क्या क्या आता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है, एंड विसरल आर्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है। ये आपकी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से यूनिट 1 से आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे यूनिट 2 को, देखिए डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ ऐसे आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से एक आएगा कि व्हाट इज डाइजेशन, क्या होता है, आपको पहले इंट्रोडक्शन के दौरान में ऐसे लिखना है। तो डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछूंगा आपको फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मामल्स, इनके बारे में, सारे चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे मामल्स में भी रूमिनेंट्स जो होते हैं, काव वगैरह जो होते हैं, उनमें चार होता है जो है ना पाउच, जैसे हमारा स्टोमक है जहाँ पे जाके खाना स्टोर होके रहता है, उन लोगों का ऐसे ओमासम आबोमासम होता है। आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, जब खाना को ऐसे खा लेते हैं, गाय वगैरह जो होते हैं ना, जब वो ग्रासेस कंज्यूम करते हैं, खा लेंगे, जब वो ऐसे सोते रहते हैं उस टाइम में ये च्यूइंग करते हैं, उसको रिगर्जिटेट करते हैं, मतलब कि उनकी वो जो स्टोरेज एरिया से बाहर निकालते हैं, फिर चुबाते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, तो उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। उनके केस में कुछ अलग होता है, मतलब कि सिस्टम जो है कुछ अलग है, तो इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आ सकता है कि डाइजेशन इन रूमिनेंट्स या स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स उनकी, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नहीं तो ऐसे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जो टीथ के बारे में है ना, टीथ के बारे में यहाँ पे भी आपको डेंटिशंस जहाँ लिखा है ना, इंटोगुमेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मान लीजिए, क्योंकि ये भी उनकी हिस्सा है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप ये दो यूनिट को ये कैरी कर रहा है, दो यूनिट में, पहला यूनिट में डेरिवेटिव्स के अंदर भी डेंटिशंस में आपकी मेंशन से आ सकता है, वहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से टीथ जो है किस तरीके से है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, कैसे अरेंज्ड है, हेटरोडोंट है, मोनोफाइड डंट है, डाइफाइड डंट है, होमोडंट है, इन सारे के बारे में आपको शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट 1 में आ सकता है। नहीं आया तो यूनिट 2 में आने के भी चांसेस है, ठीक है।
तो कंपैरेटिव ग्लैंड जैसे कि लीवर एंड पैनक्रियाज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, या तो सालाइवरी ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं तो, ठीक है। यदि डाइजेस्टिव सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से शॉर्ट नोट्स आएगा। तो व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको लिखना पड़ेगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, अलग अलग वर्टिब्रेट्स के केस में कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, जैसे फिशेस क्या करते हैं गिल्स के मदद से रेस्पिरेशन करते हैं, एम्फीबिया के केस में आपको लंग्स के थ्रू देखने को मिलेगा, स्किन के थ्रू देखने को मिलेगा, एम्फीबिया के लार्वा जो होता है उसको गिल्स के थ्रू करता है कैसे, है ना। बार्ड्स के केस में कैसे एयर सैक होता है उनके थ्रू, उन्होंने कैसे लंग मतलब कि रेस्पिरेशन करते हैं और उनकी जो लंग्स है ठीक है ना वो कैसे उनकी जो फ्लाइटिंग एडेप्टेशन है उसको मदद कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और ह्यूमन जो होते हैं कैसे लंग्स में रेस्पिरेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन थ्रू गील स्किन लंग्स एयर सैक, इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट नोट्स यहाँ से क्या आ सकता है देखिए, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वर्टिब्रेट, सारे वर्टिब्रेट्स में कैसे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है ये आपके स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा, ठीक है। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको फीसेस के अंदर किस तरीके से एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये वीडियो जो है ना आपकी वर्टिब्रेट्स वाला जो चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर में जो था वहीं पे अवेलेबल है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। एंड बुक लंग्स क्या है, बुक गिल्स क्या है, लीवर पैनक्रियाज इनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी जो है यूनिट टू के बारे में, ठीक है। यदि आपको कंपैरेटिव एनाटोमी कि मतलब कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव एनाटॉमी लेना है तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 7894226802, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट नंबर में मतलब कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि प्रिपरेशन, क्योंकि ठीक है ये जो है आपके पास चीज़ें तो आपको तो एंट्रेंस में भी ये चीज़ें काम आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि सिपेट की बात करेंगे, सिपेट ओडिशा जो पीजी एंट्रेंस था वहाँ पे पिछले बार भी 3 क्वेश्चन आया था कंपैरेटिव एनाटॉमी से, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना है। एक तो सेमेस्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, आप चाहे बीडी एंट्रेंस दोगे या तो आपने पीजी एंट्रेंस दोगे किसी भी, अगर फ्यूचर में जाके कोई भी जॉब रिलेटेड एंट्रेंस आपको देनी है तो ये चीज़ आपको फंडामेंटली क्लियर होना जरूरी है। और कंपैरेटिव एनाटॉमी एक ऐसा चीज़ है जो आपको विजुअलाइज डायग्राम के साथ साथ रिप्रेजेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छा खासा मतलब ये चीज़ें चाहिए। एक स्टोरी आपके लिए है कि ये स्टोरी आपको पता होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये है एक पाप फादर एंड बेटी है ना, पाप बेटी है तो वो क्रॉस कर रही हैं रिवर और उनके पापा बोल रहा है कि आप मेरी हैंड पकड़ लो, लेकिन बेटी बोलता है नहीं पापा तुम मेरी हाथ पकड़ लो, क्यों, क्योंकि मान लीजिए जो है ना जो लहर है ज़्यादा आ जाएगा तो यदि मैं आपके हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है कि मैं आपके हाथ छोड़ दूंगी, लेकिन जब आप मेरी हाथ पकड़ोगे ना जितने भी मतलब कि जितना भी मुसीबत आएगा आप मेरी हाथ नहीं छोड़ोगे, समझ रहे हो ना। तो ये होता है चीज़ें, तो आप ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से मेंटर के साथ रहना चाहिए ताकि आपकी जो एनवायरमेंट है सरकमस्टांसेस है आपको आगे लेने की कोशिश करेगा, समझ रहे हो ना। ये तो मैं मतलब कि वो वाली आपको नायक नायिका वाली फीलिंग्स के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो अलग चीज़ होता है। आपकी आपकी कैरियर के लिए आप खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, यू आर द एवरेज ऑफ 10 पीपल सराउंडिंग यू, आपके आसपास में जो 10 लोग हैं ना आप उनकी एवरेज हो। यदि मान लीजिए वो पढ़ाई के बारे में बात कर रही हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी दिमाग उसी डिरेक्शंस में चला जाएगा, ठीक है ना। और कोई है आपकी अगल बगल में, आपकी रूममेट है या आपकी बैचमेट है, तो कोई है जो कि एरा गरा बात कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से होगे। कभी ना कभी मान लीजिए आपको मूवी देखने के लिए मन नहीं कर रहा है लेकिन हमेशा वो वही बात कर रही हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप सोचोगे हाँ मुझे भी वही चीज़ हाँ एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से कभी ना कभी आप इन्फ्लुएंसेस हो जाओगे, तो इसलिए तो आप खुद का जो डिसीजन है लाइफ की खुद ही लीजिए, ठीक है। और किसी को मतलब कि इतना मतलब क्या ज़बरदस्ती से ना पकड़िए, समझ रहे हो ना। जैसे मान लीजिए शादी वगैरह आपने गए हैं तो वहाँ पे क्या होता है ना, कोई ऐसे तो हक करते हैं, हालांकि इंडियन सोसाइटी में जो है नमस्ते करना हमारा है रहता है, फिर आजकल ऐसे कर लेते हैं, कोई आपको ऐसे हक किया 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए तो सही है, 1 मिनट के लिए सही है। मान लीजिए वो
5 मिनट तक आपको ऐसे पकड़ के रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, मतलब कि आप ही खुद को बोलोगे छोड़ दो मुझे, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ों से आपको इतना स्ट्रेस देके पकड़ना नहीं चाहिए। तो आप आपकी कैरियर के लिए वो चीज़ कर सकते हो, कैरियर के लिए कुछ इस तरीके से सरकमस्टांसेस से चीज़ों को पकड़ लो, जहाँ से आपकी किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड से आप आगे बढ़ सकते हो, उस तरीके से जो मेंटर है, या ठीक है ना, यहाँ पे पापा तो दे रखा है, हालांकि किसी किसी का पापा भी उनके मेंटर होते हैं, किसी किसी की दोस्त भी होते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी हो सकता है, आप उनसे ये सलाह ले सकते हो। तो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, क्या करना है, मैं हमेशा आपको बात करती हूँ, क्या करना है आपको आज से तय करना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर हो गया ना आप लोग, ठीक है ना, फोर्थ सेमेस्टर खत्म होगा, फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीएड करना है, तो एमएससी बीएड एंट्रेंस के लिए तैयारी करना है, एमएससी करना है तो उनके एंट्रेंस के लिए, या तो नहीं आपको सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना है तो वहीं पर भी आपको ज्वाइन, मतलब कि प्रिपेरेशन उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी फील्ड में आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, आपको मतलब कि ठीक है, किसी भी फील्ड में आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो एमबीए करना है, कैट वगैरह है, तो कौन सी फील्ड में आप जानना चाहते हो तय कीजिए, ठीक है। उसी तरीके से मेंटर पकड़िए, उसके बाद चलिए, ठीक है। तो देखिए, तो यदि आप हेड स्टार्ट के साथ जुड़ना चाहते हो, ठीक है, ये 2000 की जो प्राइसेस है आपको 1200 में मिल रहा है। यदि आप सिर्फ एक कोर पेपर की लेना भी चाहते हो तो भी आप ले सकते हो हेड स्टार्ट के साथ जुड़ के, ठीक है। और कोई भी आपके सीनियर है या आप लोग चाहते हो कि एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए, तो भी हेड स्टार्ट से ये फैसिलिटी है, आप हेड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, आपको ये सारे चीज़ें जो है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिल जाएगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए बात करेंगे यूनिट 3 की लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ भी यूनिट 3 में सर्कुलेटरी एंड यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, यानी कि सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सर्कुलेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। व्हाट इज सर्कुलेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन एमंग वर्टेब्रेट्स, मतलब कि फीस के अंदर कैसे हो रहा है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है या सिंगल सर्कुलेशन है। हम लोगों के केस में डबल सर्कुलेशंस होता है, ठीक है। तो जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशंस हम देखेंगे किस तरीके से होता है, ये सारे चीज़ें जो है ना इस स्टडी में आगे जब जानना चाहते हो ना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। आपको आसानी से पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको सारे क्लासेस वहीं पे मिल जाएगा। एंड व्हाट इज सर्कुलेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, ये है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड aortic आर्च, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में आने के चांसेस है, मतलब कि सर्कुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड किडनी से आपको सक्सेशन ऑफ किडनी अमंग वर्टिब्रेट्स, किस तरीके से प्रोनेफ्रिक, मेजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी बनी है, उनकी जो एक आसान वीडियो जो है एडस्टार्ट पर अवेलेबल है, तो आप चाहते तो दे सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। तो ये हो गया उनके लॉन्ग क्वेश्चन, तीन लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट 3 में आने की चांसेस। उनके शॉर्ट नोट्स देखिए, मामले में यूटरी, ये चैनल पर अवेलेबल है, देख लीजिए किस तरीके से अलग अलग यूट्रस होता है मामल के केस में, ठीक है, किस तरीके से यूटरस बनी हुई है। कंगारू में आप देखोगे, ठीक है ना, उनकी जो पाउच होता है ना, तो पैदा होने के बाद भी रहता है, उनका गेस्टेशनल पीरियड बहुत लेस होता है ना, कुछ महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन वही पाउच के अंदर रहता है। टू चैम्बर्ड हार्ट फीसेस में होता है, उसको डिस्क्राइब करना है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट कैसे होता है, एसिनोड एविनोड के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, साइनस वेनस ट्रॉम्बस वेनस क्या होता है, वहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ना। किडनी के ऊपर जो प्रोनेफ्रिक किडनी या मेजोनेफ्रिक किडनी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यही यूनिट 3 के बाद। 4 के हम देखेंगे नर्वस सिस्टम सर्जन में, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन अमंग वर्टिब्रेट्स, तो फीसेस से लेकर फीसेस, एम्फीबिया, रिप्टाइल्स, बर्ड, मामल, तो सारे लोगों के ब्रेन की भी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये चैनल पर अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, है ना, इनके बारे में। एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, पूरा जितने भी वर्टिब्रेट्स आप देख रहे हो इनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है, सब क्वेश्चन कैसे आएगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से क्वेश्चन आ सकता है ना, स्पाइनल कॉर्ड की आपको डीएस वगैरह बता होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कैसे, व्हाइट कलर, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कैसे अरेंज है ना, अलग अलग रंग कैसे होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन क्या है, विजुअल रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर या केमो रिसेप्टर, सब क्वेश्चन आ सकता है। क्रैनियल नर्व कितना पेयर है, कौन सी टाइप की है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप बाबू जी यहाँ जो है आपको हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।